हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु मायंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके 16 से 23 की, थर्ड वीक के सितंबर की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। Two of Wands, Knight of Wands, Wheel of Fortune, The Fool, Three of Swords, Princess of Pentacles, and Two of Cups. Okay, Taurus, सबसे पहला कार्ड है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स का। टू ऑफ वॉन्ड्स के दो मतलब है, एक तो आप इग्नोर कर रहे हैं अपने हेल्थ को। मेरे ख्याल से कोई चीज अगर आपको परेशान कर रही है हेल्थ के लेवल पे, आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस कार्ड को अगर रिलेशनशिप का कार्ड समझा जाए, मुझे लगता है कि आपका कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है या आप नो कांटेक्ट में हैं। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं टॉरस। और ये चीज अभी अभी हुई है, रिसेंट पास्ट में। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहां पे है, इसका मतलब है टॉरस कि आपके पास अच्छे ऑफर्स हो सकते हैं लव में। आपको आसपास कोई ऐसा मिल सकता है अपने इस वीक में जो कि परफेक्ट है, जो कि एक जेंटलमैन है, और आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपको समझता है, एंड पॉसिबली इस पर्सन का आप पे क्रश है। ये आपको नोटिस कर रहा है, ये पहले से ही मौका ढूंढता रहा है आपको अप्रोच करने का। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के हिसाब से शायद आपने इस पर्सन को पहले नोट नहीं किया है, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून के हिसाब से ये पर्सन परफेक्ट है आपके लिए और यूनिवर्स का भेजा हुआ है। आई थिंक आपका जो रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, यूनिवर्स चाहता है आप उससे आगे बढ़े, नई एनर्जी आने दे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को आने दे, अपने आप को हैप्पी रखें, खुश रखें, क्योंकि सबसे पहला जो हर इंसान का काम होना चाहिए वो ये है कि वो अपने आप को खुश रखें। बट फिर यहां पे कार्ड है द फूल का, टॉरस।
आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये आपका नेचर है। अगर हम सभी राशियों में बात करें तो सबसे ज्यादातर देखा गया कि टॉरस राशि के लोग लॉयल रहते हैं, और इसके अलावा अर्थ साइन होने के वजह से आप फिक्स्ड हैं। आपको मूव करने में, बदलाव में और चेंज में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वही कार्ड यहाँ द फूल का दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरफ अगर आप मूव नहीं करते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। और ये गलती शायद आपको बाद में रियलाइज होगी जब आप इस टू ऑफ वॉन्ड्स के असर से बाहर आ जाएंगे। अगर आप ईयर 2021 की रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड प्रीवियस वीक की रीडिंग का भी लिंक आपको मिल जाएगा एज यूजुअल। एंड ऑफ कोर्स टॉरस, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो। सो अगला कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस के साथ आप अभी भी अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं टॉरस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहा है ये कि आप द एम्प्रेस हैं, यानी हर तरीके से परफेक्ट हैं। आप दूसरों को भी खुश रखना जानते हैं, खुद को भी पैम्पर करना जानते हैं, बट इस वक्त आपने कुछ ज्यादा दूसरों पे फोकस किया है, अपने ऊपर नहीं। एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसी चीज टॉरस जो आप जानते हैं कि जा चुकी है आपके जीवन से, एंड शायद दोबारा आना उसका नामुमकिन हो। वैसे ये जनरल रीडिंग है, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि ये टू ऑफ वॉन्ड्स वाला जो आपका रिलेशनशिप था ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो। फिर भी पता नहीं क्यों आप अपना सब कुछ थ्री ऑफ सॉर्ड्स में लुटाने के लिए तैयार हैं। आप अपना सब कुछ देना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। यह है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको ये समझना पड़ेगा टॉरस, आपके हाथ में गिफ्ट है यूनिवर्स का। सबको नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलता, हमेशा हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। अगर हम बार बार अपॉर्चुनिटीज को मिस करते रहेंगे तो फिर हमारे ही नुकसान है इसमें, ये बात आपको सोचनी होगी। और अगर कोई पर्सन आपको इम्पोर्टेंस देता है या क्रश देता है, एक बार आपको उसको मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप मौका देंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में ये पर्सन कितना ज्यादा आपसे मैच करता है और कंपैटिबल है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स का। सो टू ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू शुरू कर चुके हैं। आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहा है। आपका माइंड जानता है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, द एम्प्रेस को आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका हार्ट इतना जिद्दी है कि आपने ठान लिया कि मुझे बाहर नहीं आना इससे। दिमाग आपका कह रहा है तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा, हार्ट आपका कह रहा है कि तुम बाहर नहीं आ सकते या आ सकती, और इस रिलेशनशिप के पीछे अपनी सारी जिंदगी वेस्ट करने में, अपनी सारी जिंदगी का टाइम और इमोशन इन्वेस्ट करने से बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होगी आपके लिए। अपने लिए सोचिए टॉरस, ओके। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है इस वीक में। ऑरेकल मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। फ्लावर्स, वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। ओके, पॉसिबली मेरे ख्याल से आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए टॉरस, क्योंकि आपको वैसे भी अच्छा लगता है। आप टॉरस हैं, अर्थ साइन हैं, आपको नेचर पसंद है, तो आपको ये शांति देगी कुदरत। और ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं, या जो नेचुरल चीजें होती हैं, ये आपके मन को शांत करेंगी,
इससे आप क्लियरली चेंजेस को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी टू ऑफ वांड्स के साथ। मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं सोच सोच के और केयरलेस हो गए हैं आप अपने प्रति, सिर्फ दूसरों को दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, अपना ख्याल नहीं है आपको। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका लाइफ पर्पस इस वक्त यही है। ये थी रीडिंग आपके सितंबर के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।